हे एवरीवन, वेलकम टू व्हील कंपेनियन। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की मोस्ट अफोर्डेबल और मीडियम बजट बाइक के बारे में, जिसमें अच्छे पावर परफॉर्मेंस, फीचर्स, लुक्स और माइलेज भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लिस्ट की सबसे पहली बाइक है बजाज की तरफ से N160। इस बाइक में आपको 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 15.68 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.65 nm का। फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे LED DRLs के साथ। बाइक आपको एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ देखने को मिल जाएगी, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ विथ चार्जिंग पोर्ट। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ भी मिल जाएगी और डबल चैनल ABS के साथ भी मिल जाएगी। साथ ही आपको बाइक में एंटी लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। सो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से ये बाइक बेस्ट बाइक होने वाली है इस सेगमेंट में। इसका माइलेज भी आपको 40 से 45 का देखने को मिल जाएगा। फाइनली इसके प्राइस के बारे में बात करी जाए तो सिंगल ABS वेरिएंट में ये बाइक आपको 1,23,000 की मिल जाएगी और ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको 1,29,338 की मिलेगी। सो जो कोई भी सेफ्टी पर्पज़ देखना चाहता है बाइक में, इस बाइक को डेफिनेटली ले सकता है। लिस्ट की सेकेंड बाइक होने वाली है TVS की तरफ से अपाची ATR 164V। ये बाइक पावर फिगर्स के हिसाब से इस सेगमेंट में बेस्ट बाइक होने वाली है। सो इस बाइक में आपको 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.4 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.7 nm का। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे LED DRLs के साथ और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसका मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी बाइक में। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो आपको दोनों साइड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे डुअल चैनल ABS के साथ। फाइनली इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये बाइक आपको 1,30,705 की मिल जाएगी। सो पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बाइक बेस्ट बाइक होने वाली इस सेगमेंट में। लिस्ट की थर्ड बाइक होने वाली है सुजुकी की तरफ से जिक्सर SF 155। लुक्स, फीचर्स और डिज़ाइन के हिसाब से ये बाइक इस सेगमेंट में बेस्ट बाइक होने वाली है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी लुक्स, डिज़ाइन और फीचर्स के हिसाब से। इसमें आपको 155 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 13.8 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 13.6 nm का। बाइक की बॉडी काफ़ी बल्कि बना दी है, जो कि लुक्स में बहुत अच्छी लग रही है। फ्रंट में आपको LED रिफ्लेक्टर लैम्प देखने को मिल जाएगा स्टाइलिश वाइजर के साथ। आगे USD सस्पेंशन और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्यूल कंजप्शन, लास्ट पार्किंग स्पॉट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सारे फीचर्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका एक्स-शोरूम प्राइस आपको 1,35,708 का देखने को मिल जाएगा। ये बाइक डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है लुक्स और फीचर्स के हिसाब से। लिस्ट की फोर्थ बाइक है यामाहा की तरफ से HZ FI V3। माइलेज के अकॉर्डिंग इस सेगमेंट में ये बाइक बेस्ट बाइक होने वाली है। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे बाइक में और रेयर में आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएंगे बाइक में। इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्टॉक SOSC 2 वॉल्व इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 12.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 13.3 nm का। इसका मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा। साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ स्विच जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे बाइक में। फ्रंट और रेयर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे ड्यूअल चैनल ABS के साथ। साथ ही 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये बाइक आपको 47 टू 48 का माइलेज ईजिली दे देगी और हाईवेज में आपको और भी अच्छे माइलेज देखने को मिल सकते हैं इस बाइक में। सो माइलेज इंटरेस्ट के हिसाब से ये बाइक इस सेगमेंट में बेस्ट बाइक होने वाली है। अगर आप माइलेज भी चाहते हैं बाइक से तो ये बाइक भी आप देख सकते हैं और साथ में आपको अच्छे पावर और परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी बाइक में। फाइनली इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में बात की जाए तो 1,26,000 इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। सो आज की लास्ट बाइक होने वाली है एक्सपल्स 200T4V। टूर और एडवेंचर के लिए ये बाइक बेस्ट बाइक है इस सेगमेंट में। वैसे तो बहुत सारी बाइकें हैं, रॉयल एनफील्ड की ही उठा के देख लीजिए आप लोग, बट ये बाइक आपको अच्छे बजट के साथ अच्छे पावर परफॉर्मेंस भी देती है। बाइक में आपको 199.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18.8 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 17 nm का। इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है 115 किलोमीटर पर आवर की। फ्रंट और रेयर में दोनों में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। बाइक का कर्व वेट है 154 kg और 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस। मीटर कंसोल फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा आपको बाइक का, और USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आपको बाइक में देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट और रेयर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे सिंगल चैनल ABS के साथ। इसके माइलेज की बात की जाए तो ये बाइक आपको 40 km/h का माइलेज आराम से दे देगी। फाइनल इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,33,269। सो ये थी 2023 की टॉप 5 मोस्ट मीडियम बजट बाइक। ये पांचों बाइक डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, आप डेफिनेटली इन बाइकों को ले सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जिस किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।